लेक्चर नंबर 28। ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वर्षायाणम् नमो लोये सवसाहुवम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेतारम् कर्मभूरुताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का जो आठवां सूत्र है उसमें हमने जो आठ अनुयोग द्वार है जीव स्थान के उसकी हमने चर्चा यहाँ प्रारंभ की थी और अभी हम अंत तक आ गए हैं। क्या विषय था सूत्र का? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बोध। तो अभी हम यहाँ देख रहे थे भावों की चर्चा अपनी चल रही थी। तो हमने देखा है गुण स्थानों में या मार्गणा स्थानों के गुण स्थानों में जब हम भावों की चर्चा करते हैं तो पहले चार गुण स्थानों में दर्शन मुनि की अपेक्षा लगाना और ऊपर के गुण स्थानों में चारित्र मुनि की अपेक्षा लगाना है। तो उसकी अपेक्षा से हमने देखा था पहले गुणस्थान में मिथ्या तो संबंधी औदयिक भाव है, दूसरे में पारिणामिक भाव है, तीसरे में सार्वक्षमिक भाव है, चौथे में औक्षमिक, सार्वक्षमिक और क्षायिक भाव है, पांचवे में, छठे, सातवें में सार्वक्षमिक भाव है, उपशम श्रेणी में औक्षमिक भाव है और क्षपक श्रेणी में क्षायिक भाव है। इतनी बात हमने देखी। जब हम मार्गणाओं में लगाते हैं तो मार्गणाओं में जहाँ जो गुणस्थान है उसकी चर्चा हमको करनी है। अभी नरक में क्या विशेषता देखी हमने? पहले नरक में चौथे गुणस्थान में तीनों भाव देखे, पर नीचे के नारकी जो है दूसरे से सातवें नरक के नारकी उनमें चौथे गुणस्थान में सौक्षमिक और औक्षमिक दो ही भाव देखे, वहाँ क्षायिक सम्यक नहीं पाए जाते क्योंकि वो मरकर नीचे के नरकों में नहीं जाते। यानी जहां जिस मार्गणा की जो विशेषता है उसको हमको ख्याल में रखना है। अब और उसके कौन से गुणस्थान है वो भी देखना है। जैसे तीर्यंच गति में पांच गुणस्थान है, देव और नारकियों में चार गुणस्थान है, तो जहां जिस मार्गणा के जो गुणस्थान है परंतु भाव तो ऐसे ही हो गए, जो गुणस्थानों के भाव है वही वहां घटित हो गए। तो हम यहाँ आए थे भव्य मार्गणा तक आए थे ना, भव्यानुवाद से पेज नंबर 214। भव्य के सर्वत्र गुणस्थानवत भाव है क्योंकि भव्य के गुणस्थान तो 1 से 14 तक, तो जो गुणस्थानों के भाव है वही वहां बताएंगे। अभव्य के एक पारिणामिक भाव है। आप कहेंगे अभव्य को तो एक मिथ्या तो गुणस्थान ही है तो वहां औदयिक बताना था, परंतु यहाँ अभव्यत्व की मुख्यता से कि अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव है इसलिए देखो। यद्यपि इस भाव वाले प्रकरण में मोहिनी कर्म की अपेक्षा ही भावों का प्ररूपण किया गया होने से यहाँ औदयिक भाव है, तथापि यहाँ अभव्यत्व की अपेक्षा भाव की प्ररूपणा कर पारिणामिक भाव बताया गया है। यानी अपेक्षा उन्होंने यहाँ बदल दी, सर्वत्र मोहिनी की अपेक्षा ली थी। अब सम्यक तो मार्गणा की बात करेंगे। औदयिक है ही है ना, औदयिक भाव है ही, परंतु यहाँ अभव्यत्व की मुख्यता की उन्होंने इसलिए पारिणामिक बताया, उसका निषेध नहीं है, उन्होंने स्वयं बताया है ना। देखो औक्षमिक सम्यक्त्वी असंयत देश संयत प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत के सम्यक्त्व की अपेक्षा औक्षमिक भाव है, यानी औक्षमिक सम्यक्त्व पाया जाता है।
परंतु पांचवें छठे सातवें में तो हम क्षय उपशमिक भाव घटित करते हैं, चारित्र होने को लगाते हैं। उस अपेक्षा से वहां क्षय उपशमिक कहना था, पर औपशमिक सम्यक तो है, उस मुख्यता से उन्होंने औपशमिक भाव बता दिया। उपशम श्रेणी वाले के चारित्र की अपेक्षा औपशमिक भाव है। क्षायिक सम्यक असंयत आदि चार गुण स्थानों में सम्यक की अपेक्षा क्षायिक भाव है। वैसे तो हम चौथे में तीनों भाव घटित करते हैं और पांचवें छठे सातवें वाले को क्षौपशमिक भाव कहते हैं, परंतु यह मार्गणा सम्यक की है, इसलिए उन्होंने वह अपेक्षा बदलकर कथन किया है। उपशम श्रेणी वाले इसी अपेक्षा क्षायिक भाव है। इसका अर्थ क्या है? उपशम श्रेणी चढ़ने वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि है क्या? द्वितीय उपशम वाले है, दोनों है, और वहां मेजॉरिटी क्षायिक की है। द्वितीय उपशम सही चढ़ने वालों से क्षायिक सम्यक के साथ चढ़ने वाले जीव ज्यादा होते हैं हमेशा ही, परंतु यहाँ सम्यक की अपेक्षा से क्षायिक भाव कहेंगे तो कहेंगे, यहाँ क्या लिखा देखो, उपशम श्रेणी वाले के इसी की अपेक्षा, यानी कौन से सम्यक की अपेक्षा वहां क्षायिक भाव भी है, परंतु चारित्र की अपेक्षा औपशमिक भाव है। क्षपक श्रेणी वाले के चारित्र की अपेक्षा भी ने वहां तो क्षायिक सम्यक तो है ही है, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि ही क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे, परंतु वहां चारित्र अपेक्षा भी क्षायिक भाव है। चारित्र मोनि की क्षपणा करते करते चढ़ता है जीव। सहयोगी अयोगी जिनके भी क्षायिक भाव है, अन्य भावों की यहाँ प्रधानता नहीं है। आप कहेंगे सहयोगी अयोगी में कौन से क्षायिक भाव है? नौ के नौ होते हैं, ख्याल में ना, तो वहां क्षायिक भाव कह दिया। मोहनी तो मोहनीय का तो क्षय है ही है, अन्य भी क्षायिक भाव है वहां पर। देखो ये हो गया क्षायिक की बात होगी। क्षौपशमिक सम्यक असंयत देश संयत प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत में सम्यक तो संबंधी क्षौपशमिक भाव है, और देश संयत आदि तीन में चारित्र की अपेक्षा भी क्षौपशमिक भाव है। ख्याल में यही बात, सम्यक तो भी क्षौपशमिक हो सकता है, चारित्र भी। ज्ञान आदि संबंधी क्षौपशमिक भाव मिथ्यात्व से लेकर क्षीण मोह पर्यंत तो होता है, परंतु वह यहाँ प्रधान नहीं है, क्योंकि ज्ञान और का क्षोभम है सर्वत्र, परंतु उसकी यहाँ मुख्यता नहीं ली है। जब हम केवल भावों की चर्चा करेंगे तो क्षौपशमिक भाव में तो सभी जो क्षौपशमिक भाव है जो जहाँ है वो सबको हमको गिनना पड़ेगा। मिश्र गुणस्थान वाले के क्षौपशमिक भाव है, वो तो उन्होंने पहले सिद्ध किया था। तीसरे गुणस्थान वाले को क्षौपशमिक भाव है। सासाधन सम्यक के पारिणामिक भाव है और मिथ्यात्व के औदयिक भाव है। आप कहेंगे ये तीन का अलग नाम क्यों लिया? ये सम्यक तो मार्गणा के भेद है, इसलिए उसका अलग से नाम लिया। अब संगी मार्गणा, संगी में गुणस्थान व भाव है, पहले का औदयिक, दूसरे का, तीसरे का क्षौपशमिक, चौथे का है, पांचवे छठे सातवें का क्षौपशमिक, उपशम श्रेणी वाले औपशमिक, शपक श्रेणी वाले और ऊपर के सब क्षायिक भाव, क्योंकि जो गुणस्थानों के भाव है वही यहाँ पर घटित हो गए। और असंगी के औदयिक भाव है, एक ही पहला गुणस्थान है। संगी असंगी दोनों से रहित के गुणस्थान वद भाव है, यानी तेरवा और चौदवा क्षायिक भाव है। आहार अनुवाद से आहारक और अनाहारक दोनों में ही गुणस्थान वद भाव है, तो आहारक के गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? एक से तेरह, चौदवा को नहीं लेना। और अनाहारक के गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा, तेरवा, चौदवा, चौदवा ले को भी लेना, नहीं समझे? अनाहारक कब होता है? एक तो विग्रह गति में होता है, या तेरहवें गुणस्थान में कब होता है? प्रतर लोकपुरण में होता है,
और चौदहवे गुणस्थान वाला तो अयोगी है, अयोगी अनाहारक ही है, तो सबको गिनना पड़ेगा हमको। तो पहले में कौन सा भाव होगा? औदय। दूसरा गुणस्थान वाला है ना, विग्रह गति में हो सकता है, उसका पारिणामिक। और कौन सा होगा? चौथे में कौन कौन से भाव होंगे जो विग्रह गति में, कौन कौन से सम्यक तो हो सकते उसके? इन्हें नए से नहीं होगा, सम्यक तो लेकर विग्रह गति में जाएगा। द्वितीय ऑप्शन होगा ना, मनुष्य देव में जाने वाले को द्वितीय ऑप्शन सम्यक तो के साथ विग्रह गति में जा सकता है, तो वहां पर भी औपशमिक शौपशमिक शायिक तीनों लेने पड़ेंगे। और कौन सा गुणस्थान है? तेरहवे का शायिक, चौदहवे भी शायिक। अनाहारक यानी विग्रह गति में मिथ्यात्व है उसका। अच्छा अच्छा, इसे मेजोरिटी तो उनकी ही रहेगी। आपको क्या लगा? विग्रह गति में लेना। इस प्रकार सामान्य और विशेष से भाव नियोग का निरूपण समाप्त हुआ। देखो जब हम पांच भावों की चर्चा करते हैं तो हर एक गुणस्थान के भाव अलग अलग हो। पहले गुणस्थान में कौन सा भाव होगा? औदय भी है, क्षावशमी ज्ञान भी है ना वहां पर, और पारण्य भाव तो सब सब जगह है। तो वो चर्चा, वो बात अलग होगी। और गुणस्थानों में तो ये आसान है, जैसे बंध का प्रकरण में जहां तहां जो भावों की बात आती है, एक लाइन में पूरा भाव अनियोग द्वारा समाप्त होता है। कोई भी बंध हो, अनुभाव बंध है, स्थिति बंध है, प्रदेश बंध है, प्रकृति बंध है, तो कहते भाव कौन सा है? तो कहते औदयिक भाव है। बंध के प्रकरण में औदयिक भाव है, औदयिक भाव से बंध होता है। अभी हमने इतने गुणस्थानों की चर्चा करनी है, इसलिए अलग अलग भाव बताए। अभी लास्ट में जो अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार है, एक प्रश्न बीच में लेते हैं। त्रस पर्याय के 2000 सागर कैसे घटित होंगे, वो तो बात बताई थी। 2000 सागर में एक भी मनुष्य का भाव न करे ऐसा नहीं हो सकता है। होता है। और 2000 सागर तक त्रस पर्याय में रहा तो भी एक इंद्री का एकाध पर्याय एकाध भाव करके नहीं निकलेगा। इतने लंबे काल तक त्रस में रहा है तो एक इंद्रिय में असंख्यात वर्ष तो बिताएगा फिर त्रस में आने के पहले। यानी मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, आपको ख्याल में आती बात? एक भी भव न हो, लोगों को इतने 48 भव मिलते ही, ऐसा नहीं है। वो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लगातार भवों की बात है। अधिक भी भव मिल सकते, हमने देखा था मनुष्य के अधिक भव हो सकते हैं पर्याप्तों के भी, परंतु एक भी भव न हो ये बात हो सकती है। तीरियन चौंके तो हो गए ही नियम से, देवों के भी 100 सागर पृथक के बाद तो भव हो सकते हैं, नारकियों के भी नहीं हुए तो इतने साल के बाद तो हो ही सकते हैं, परंतु मनुष्य पर्याय ऐसी है एक भी उसका मनुष्य भव न हो ये बात हो सकती है। देखो ये जानने से क्या लाभ, तो हमें तो दुर्लभता का तो पता चलता है। तो अभी मनुष्य पर्याय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे परिणाम लिखने करने पड़ेंगे, बोलो। अभी आप कौन हो? तो अभी मनुष्य होने के लिए कुछ नहीं करना है, मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई है जो दुर्लभ में दुर्लभ है, तो यहाँ उसका जो हमें फायदा करना लेना कर लेना है, शास्त्र स्वाध्याय और फिर भेद विज्ञान, वो करना यहाँ जरूरी है। वेदानुवाद में क्षपक श्रेणी में अंतर कैसे होगा? पृथक्त्व 100 सागर किसकी? हाँ, पृथक्त्व 800-900 सागर तक नहीं मिला, उसके बाद तो मिलेगा ऐसा है। हाँ, मनुष्य का एक भी न मिले ये हो सकता है।
कुछ अधिक बोला जो है वो त्रस के पर्याप्त अपर्याप्त के मिलकर बात होती है। अच्छा। लोग ऐसा उसका अर्थ करते हैं भाई, मेरे विद्वान भी उसका अर्थ कहते कि 2000 सागर पर्याप्त मेरा और पृथक्त्व पूर्व कोटि अपर्याप्त मेरा, ऐसा मिलाकर कथन नहीं होता। कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त होगा तो ही इतना काल बढ़ेगा। जैसे हमने सूक्ष्म एकेंद्रियों में देखा था, सूक्ष्म एकेंद्रियों के पर्याप्त में रहने का लगातार काल मात्र अंतर्मुद, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त में लगातार रहने का काल अंतर्मुद, केवल सूक्ष्म एकेंद्रिय में लगातार रहने का काल दो अंतर्मुद न, कितना असंख्यात लोग, असंख्यात लोग कितना बड़ा काल है। यानी वहां ये हम तर्क से उसका उत्तर निकालते, वो बात वहां नहीं घटित होती। ये त्रस के पर्याप्त पर्याप्त मिलकर जो बात बताई वहां पर, 2000 सागर प्लस पूर्व कोटि पृथक्त, उसका अर्थ वो अपर्याप्तों के पूर्व कोटि पृथक्त है, 2000 सागर वो त्रस पर्याप्तों के, ऐसा नहीं है। कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त होता रहे तो उसके इतने भोग बढ़ सकते हैं। हाँ देखो ये प्रश्न है, शपक श्रेणी में अंतर कैसे होगा, समझा नहीं। शपक में गिरते नहीं तो ये अंतर किस अपेक्षा कहा है? शपक श्रेणी का अंतर उन्हें नाना जीवों की अपेक्षा देखा था। कोई ना कोई जीव शपक श्रेणी चढ़ के ऊपर गया, एक समय के लिए कोई नहीं चढ़ा, एक समय के अंतर से कोई चढ़ा तो एक समय जघन्य अंतर होगा। और शपक श्रेणी किसी ने चढ़ी ही नहीं तो कितने काल के बाद नियम से चढ़ेगा? तो 6 महीने के बाद, ये उसका अर्थ होता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच की 95 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्य काय स्थिति, फिर से घटित करके बताए। पंचेंद्रिय तिर्यंच कहने से संगी और असंगी दोनों आ गए। हमें पर्याप्त के लगातार भोग करने हैं, 8 स्त्री के, 8 नपुसक के, 8 पुरुष के, फिर बीच में एक अपर्याप्त का भोग होगा, फिर 8 8 8 होते हैं। असंगी में भी ऐसे, पहले 8 8 8 24 हुए, फिर एक अपर्याप्त का भोग हुआ, फिर पर्याप्तों के 8 8 8 होते हैं। तो पहले हम असंगी के कर लेते हैं, फिर संगी के करेंगे, और अंत में जो रखना है संगी का अंतिम भव, उसको 3 पल्ले वाला रखना है, तो वहां 95 पूर्व कोटि होती है। ये ख्याल में आई बात? 66 सागर काल क्षोभम सम्यक्त्व का पूर्ण होने पर शायद सम्यक्त्व ही होगा कि मिथ्यात्व में भी जा सकता है? अगर वो कृतकृत्य वेदक होगा तो ही पूर्ण 66 सागर गिनने में आता है। अगर वो शायक नहीं होने वाला है तो एक अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में जाएगा, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। क्योंकि पहले हमने 66 सागर देखा, अंतिम अंतर्मूर्त में 3रे में आया था, फिर 66 सागर रहा। अगर वो शायक नहीं होता तो मिथ्यात्व में चला जाता, शायक होगा तो उसका कृतकृत्य वेदक का जो अंतर्मूर्त है उस सहित वो 66 सागर पूरा काल गिनने में आता है। हाँ, क्योंकि उसका क्षोभ सम्यक्त्व का काल पूरा होगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। इसी का प्रश्न था, हाँ, कि असंख्यात लोग उत्कल परावर्तन जो असंख्यात है। हाँ, कल बात बताई थी ना, प्रश्न आया था कि असंख्यात लोग बड़ा है क्या, पुद्गल परावर्तन बड़ा है? असंख्यात लोग तो बहुत छोटी संख्या असंख्यात की है, और पुद्गल परावर्तन तो अनंत अनंत की बात है, वहां बहुत बड़ा काल है। प्रश्न, को अवधि ज्ञान में नारकी मिथ्यात्व का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त, बनाया लेकिन पूरा भव ही लिखा है ना, जन्म से अवधि ज्ञान होता है, क्या कहना चाहते? जगत ने काल अंतर्मूर्त बताया, नारकी का, अवधि का, लेकिन पूरे भव के अंदर उसको अवधि ज्ञान तो रहता ही है। अवधि ज्ञान को अवधि बनना है, हाँ, कुअवधि, ये तो जगन्य अंतर, जगन्य काल कब होगा? वहां गया विभंग ज्ञानी रहा, वो तो मिथ्यात्वी था,
सम्यक तो प्राप्त किया, स्व अवधि ज्ञान हो गया, उस अपेक्षा से हाँ फिर मिथ्यात्व तो में आया, तो उसका अंतर कितना होगा, अंतर में, और उसका काल भी कितना हो सकता है, काल बताना था ना, काल भी अंतर्मूर्त, क्यों अंतर्मूर्त, जैसे कोई सम्यक दृष्टि था तो उसको अवधि ज्ञान था, को अवधि नहीं अवधि ज्ञान था, अब वो मिथ्यात्व तो में आया तो विभंग ज्ञान ने को अवधि ज्ञान हुआ, अंतर्मूर्त में फिर सम्यक भी हुआ तो वहां विभंग ज्ञान का काल अंतर्मूर्त होगा। हाँ समझ में आती है, तो विभंग ज्ञान का काल एक समय में घटित होगा किसी नरक में, मरण में कैसे होगा, बोलो बोलो देखो दे। ये हम सातवें नरक की नहीं बात करें, छठे नरक तक के नार की, मरण के समय सासादन में मर सकते हैं कि नहीं मर सकते, तो जब सम्यक दृष्टि थे औपशमिक सम्यक भी तो उनको तो स्व अवधि ज्ञान था, और सासादन में एक समय के लिए आए और मर गए तो सासादन में तो विभंग ज्ञान हुआ। आपको बहुत अपेक्षा लगाकर सोचना पड़ता है, पर पूरे लाइफ टाइम में नहीं, वो सासादन में एक समय गया तो फिर मिथ्या तो में चला ही जाएगा, वहां एक समय नहीं लेते, मरण के समय में वो सासादन में एक समय रहा तो विभंग ज्ञान में एक समय में रहा, वो अपेक्षा लागू हो सकती है। अभी अपना जो अंतिम जो प्रकरण चलेगा अल्प बहुत्व का, हाँ स्व अवधि वाले नारकी जो सम्यक दृष्टि है वो स्व अवधि वाले है नियम से, और वो सासादन में आते हैं तो कु अवधि वाले होते हैं, मिथ्यात्व में जाते हैं तो कु अवधि वाले होते हैं, ये नियम है वहां का। सभी नारकी सम्यक दृष्टि स्व अवधि वाले ही होते हैं, क्योंकि वो भव प्रत्यय ज्ञान है ना उनका, उस भव में होते ही होते, देवों में भी ऐसा ही है, सम्यक दृष्टि है स्व अवधि वाले, वहां की मिथ्या दृष्टि है कु अवधि वाले है। ये तो उसके ज्ञान की विशेषता है, अवधि ज्ञान से जान लेते हैं, अवधि ज्ञान का कार्य क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक जानते हैं, अभी कौन से देवों में कहां तक अवधि लगती वगैरह उसके नियम है, नारकी अवधि ज्ञान है वहां पर बस, हाँ पूर्व भाव का भी अवधि हो सकता है, वहां का भी हो सकता है ना। देखो ये पेज नंबर 214 है, अल्प और बहुत्व, देखो अल्प है कम बहुत बहने अधिकता, परस्पर कम अधिक रूप होना वह अल्प बहुत्व है। अब उसकी डेफिनेशन ऐसे बताई है दौला शास्त्र में कि संख्या प्ररूपणा के आधार पर, क्योंकि कुछ संख्या कम है कोई की संख्या अधिक है, उसके लिए संख्या प्ररूपणा नामक जो हमने दूसरा अधिकार देखा था उसके आधार से हम ये कौन सी संख्या कौन से गुणस्थान वालों की संख्या कम है कौन से गुणस्थान वालों की अधिक है ये कह सकते हैं। तो कहते हैं संख्या प्ररूपणा के आधार पर गुणस्थान और मार्गना स्थानों में हीनाधिकता का निर्णय करने वाला अल्प बहुत्व अनुगम नाम का अनुयोग द्वार है। ये समझ में आती है बात, क्योंकि हमने संख्या अधिकार देखा है और वह हमने देखा है कौन से गुणस्थान वालों की संख्या कितनी है, तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, सबसे कम संख्या वाले कौन से गुणस्थान है वहां से शुरुआत करेंगे, और फिर उससे कौन से गुणस्थान वाले अधिक है उनसे कौन से अधिक है उनसे कौन से अधिक है, इसकी चर्चा इस अल्प बहुत्व अनुगम में होगी। यहाँ तो जीवों पर लगा रहे, बहुत अलग अलग अपेक्षाओं से अल्प बहुत्व अधिकार होते हैं, जैसे हम शास्त्र में आता है ना कि कौन सा अंतर्मूर्त कितना छोटा है कितना बड़ा है, वो काल की अपेक्षा जो लगाते हैं सबसे छोटा अंतर्मूर्त इतना है फिर ये इसका इतना है फिर इसका इतना है, वो तो उसके भी बहुत बड़े बड़े अधिकार हैं शास्त्र में। हमारा तो यहाँ आसान है, केवल गुणस्थानों की संख्या हमको बतानी है, जीवों की संख्या, और उसमें कौन से कम संख्या वाले हैं कौन से अधिक संख्या वाले हैं। देखो विस्तार रुचि शिष्यों के लाभार्थ,
क्या कहा, एक होते हैं संक्षेप रुचि वाले, क्योंकि संख्या अनुयोग में जान लिया उन्होंने प्रत्येक गुणस्थान की संख्या, अब विस्तार रुचि ने उनको खोलकर फिर बताना पड़ता है। देखो ये उपशम श्रेणी वाले अल्प है ना सबसे, फिर सपक श्रेणी वाले उससे डबल है, संख्यात गुणा है, तो उसको एक एक करके खोल कर बताना, उसको कहेंगे विस्तार रुचि वाले। शॉर्ट में बताए तो भी कोई जान लेते हैं, और वो शॉर्ट में बताने से कोई नहीं समझ पाते, तो उनको ये विस्तार से समझाया जाता है। इसको कहते हैं विस्तार रुचि शिष्यों के लाभार्थ, यह पृथक ही अनुयोग द्वारा बताया गया है, क्योंकि संक्षेप रुचि वालों की जिज्ञासा तृप्त करना इतना ही शास्त्र रचना का फल नहीं कहा है। क्या कहते हैं पर संक्षेप रुचि वाले ने, वो तो इंटेलिजेंट है ज्यादा, तो क्या केवल उनको ही समझाना शास्त्र का प्रयोजन है? अरे सभी लोगों को यह समझ में आना चाहिए। इससे कहते कि केवल संक्षेप रुचि वालों को समझाना इतना ही शास्त्र का प्रयोजन नहीं है, इसलिए शास्त्र में सभी प्रकार के कथन आते हैं। संक्षेप रुचि वालों के लिए पहले शॉर्ट में बता देते हैं और फिर उसी को और अधिक समझाया जाता है, तो उसमें पहले हमको मालूम है ना कहाँ कौन से गुणस्थान वाले कम है कौन से अधिक है, तो सबसे कम संख्या वाले गुणस्थान कौन कौन से है, आठ उपशामक, उसके लिए उपशामक कहना पड़ेगा, जो हमने उसमें 299 या 304 जो संख्या देखी थी, तो उस गुणस्थान में सबसे अल्प संख्या है। देखो प्रवेश की अपेक्षा उसमें लगाना और संचय की अपेक्षा भी लगाना, प्रवेश यानी उसके एट ए टाइम कितने जीव उसमें आ सकते हैं, एक आ सकता है, कभी दो आ सकते हैं, चार आ सकते हैं, अधिक से अधिक 54 आ सकते हैं, और संचय की अपेक्षा उसमें आते रहे लगातार 8 समय तक लगातार आते रहे तो 304 हो जाएंगे। हमने देखा ना गिप बीच में गिप गैप पड़ता है और उसकी मैक्सिमम संख्या कितनी है 304, तो संचय की अपेक्षा मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है 304, और प्रवेश की अपेक्षा 1 से लेकर 54 तक। ख्याल में आती है बात? अब यहाँ क्या लिखा है जरा देखते हैं, पेज नंबर 215। उपशम श्रेणी वाले चारों गुणस्थानवर्ती जीव सबसे कम है, वे अपने अपने गुणस्थान में पृथक पृथक 299 रूप यानी उसी को 304 भी कहा, समान संख्या वाले होने से इनकी कुल संख्या 1196 सभी गुणस्थानों की मिलकर। अभी यहां उन्होंने प्रवेश की अपेक्षा नहीं लिखी है, परंतु हमने पहले देखा था प्रवेश की अपेक्षा और संचय की अपेक्षा, कभी एक जीव प्रवेश करेगा, दो करेंगे, चार करेंगे, अधिक से अधिक एट अ टाइम 54 जीव उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अब क्षपक क्या होगा, इनसे संख्यात गुणे ने दुगुने डबल है, क्षपक श्रेणी वाले चारों गुणस्थानवर्ती कुल 2392 है, ये पृथक पृथक 598 है। अगर 299 देखते तो उसके साथ 598 लगाना, अगर 304 कहेंगे तो उसके साथ 608 लगाना। इसमें प्रवेश की अपेक्षा कैसे हो गए, एक या दो या तीन या चार या अधिक से अधिक 108 प्रवेश की अपेक्षा, और संचय की अपेक्षा 598 कहो या 608 कहो, 608 इतने ही अयोग्य वाली है। क्षपक के जो 8, 9, 10, 12 के जितनी संख्या है उतनी ही अयोग्य वाली उनकी, बीच में 13वें गुणस्थान में तो कोई अंतर्मूत रहेंगे और कोई कुछ कम करोड़ पूर्व तक, तो उनकी संख्या अलग है, उनकी तो 800,000 और उसकी 98,502 होगी, परंतु चार क्षपक 8, 9, 10, 12 और 14 इनकी संख्या समान है। परंतु अभी 13वें गुणस्थान में संचय की अपेक्षा कितने हैं, 8,98,502। अब यहां क्या लिखते हैं, अभी 215 पेज पर अयोग केवली भी इतने ही है, मिला इनसे संख्यात गुणे संयोग केवली है। अब ये लाखों में है फिर भी संख्यात गुणे कह दिया, इनसे संख्यात गुणे अप्रमत्त संयमी है, अप्रमत्त यानी सातवें वाले, वो कितने देखे थे हमने 2,96,99,103, उसको भी संख्यात गुणा कह दिया, और उनसे प्रमत्त यहां संख्यात गुणे कहा,
पर हमें पता है वो दोगुने हैं, वो कितने हैं तो 5,93,98,204। अब उनसे संयता संयत, यहां देखो क्या कहते प्रमत संयम, उनसे असंख्यात गुणे देश संयमी है, क्योंकि देश संयमी कितने हैं हमने देखे थे याद है, पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण टोटल तीरें च भी आ गए उसके अंदर। उनसे असंख्यात गुणे सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है, यानी जो पांचवें गुणस्थान वाले पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है उसको अवली का असंख्यात वे भाग से गुणा करो, इतने वो सासाधन वाले है। हाँ ऐसे प्रतिमा के भेद वहां नहीं हो जो हम मनुष्य की अपेक्षा कहते हैं, यथा योग्य उनकी जितनी विशुद्धि होगी वैसा कहेंगे हम वहां पंचम गुण स्थान वर्ती। अब यहाँ लिखा है ना सासाधन, उनसे असंख्यात गुणे सम्यक मिथ्यात्व है लिखा है, वो संख्यात गुणे होना चाहिए हमेशा, सासाधन से तीसरे गुणस्थानवर्ती संख्यात गुणा होते हैं, वो अ निकाल दो वहां का, मिला कहाँ निकालना है उस पैराग्राफ नीचे से तीसरी लाइन राइट साइड में, उनसे असंख्यात गुणे अविरत सम्यक भी है, ये बराबर है, यानी तीसरे वालों से चौथे वाले असंख्यात गुणे हैं। देखो असंख्यात गुणे सासाधन सम्यक दृष्टि है लिखा, उनसे संख्यात गुणे सम्यक मिथ्यात्व ऐसा होना चाहिए, अ निकालो, और चौथे वाले उनसे असंख्यात गुणे हैं, उनसे अनंतानंत गुणे मिथ्यात्व जीव है। अब विशेष अपेक्षा, देखो जो निरंतर गुणस्थान होते हैं उसमें संचय की अपेक्षा कथन होते हैं, और जो सांतर गुणस्थान है उसमें संचय एवं प्रवेश की अपेक्षा कथन होता है। जैसे हमने देखे श्रेणी के जो गुणस्थान है वो सांतर है, तो उसमें प्रवेश करने वाले एक या दो, या इस तरह से हमने देखा था उपशम श्रेणी में 54 और क्षपक श्रेणी में अधिक से अधिक 108, तो वो कैसे सांतर है, तो उसमें बीच में गैप पड़ती है, फिर कितने जीवों ने प्रवेश किया उसकी अपेक्षा कथन है। और निरंतर गुणस्थानों में तो वो हमेशा ही रहेंगे, तो वहां की संख्या बताई जाती है। वैसे ही एक गुणस्थान में सम्यक्त्व के भेदों की अपेक्षा अल्पभूतत्व है, नहीं समझे, एक गुणस्थान में सम्यक्त्व के भेद का अर्थ क्या है, चौथा गुणस्थान है उसमें कौन कौन से सम्यक्त्व हो सकते हैं, औपशमिक शौपशमिक शायद, तो उसमें कौन से सम्यक्त्व कम है कौन से ज्यादा है उसका भी अल्पभूतत्व बताएंगे हम, देखेंगे उसको। जैसे चौथे गुणस्थान में उपशम समय दृष्टियों से क्षायिक समय दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, हमें मालूम है कि क्षायिक समय दृष्टि असंख्यात है, कहाँ पहले नरक में भी असंख्यात है, देवों में भी असंख्यात है, अब ये भोग भूमि के तीरें से भी असंख्यात है, मनुष्य संख्यात है, औपशमिक समय दृष्टियों से वो क्षायिक वाले असंख्यात है, क्योंकि वो क्षायिक बनने के बाद वो क्षायिक ही रहते हैं, और औपशमिक वाले तो अंतर्मूर्त के लिए है इसलिए क्षायिक की संख्या ज्यादा है। उनसे वेदक कहने क्षौपम समय दृष्टि असंख्यात गुणा है, क्योंकि उसमें अधिक अधिक संचय की अपेक्षा जाएंगे ना जीव, क्षायिक की अपेक्षा क्षोभ वाले अधिक ही होंगे। अब पांचवें गुणस्थान में क्या होगा, औपशमिक शौपशमिक और क्षायिक में से कौन कम हो गए, मैं यहां से नहीं पढ़ रही हूं, मैं मेरी नोटबुक में से पढ़ रही हूं, आपको वहां नहीं मिलेगा। पांचवें गुणस्थान में औपशमिक वाले कम हो गए या क्षायिक वाले कम हो गए या क्षौपशमिक कम वाले कम, क्षायिक क्यों, हाँ मनुष्य में ही होगा, पांचवें गुणस्थान के साथ क्षायिक मात्र मनुष्य में होगा, नहीं इन जनरल पूछा था, तीरियच में पांचवा गुणस्थान नहीं होता क्षायिक के साथ, इसलिए क्षायिक के साथ कितने हो गए संख्यात हो गए, तो पांचवें गुणस्थान में क्षायिक सबसे कम क्योंकि मनुष्य में है उसको संख्यात हो गए। उनसे उपशम संयता संयत के साथ जो औपशमिक है
वो असंख्यात गुणे होंगे, वो तिरंच में भी पाए जाएंगे, और उनसे सौक्षमिक समय दृष्टि कौन से पांचवें गुणस्थान वाले वे असंख्यात गुणे होंगे, वहां भी तिरंच आ गए। औपशमिक सम्यक्तो और क्षौपशमिक सम्यक्तो में तिरंजों को भी लेना, और क्षायिक के साथ पांचवा गुणस्थान मात्र मनुष्य में होगा। अब छठे सातवें में औपशमिक समय दृष्टि सबसे कम है, उनसे क्षायिक संख्यात गुणे हैं, क्योंकि औपशमिक तो अंतर्मूर्त के लिए है और क्षायिक एक बार हो गए तो उसमें ही रहेंगे, तो उनकी संख्या अधिक हो जाती है। उनसे वेदक सम्यक दृष्टि संख्यात गुणे हैं, क्योंकि छठा सातवां गुणस्थान मनुष्य में ही है, वो संख्यात ही है, तो इसलिए वो संख्यात गुणा कह दिया। उपशामकों में उपशम सम्यक दृष्टि अल्प है। देखो इन्हें उपशम श्रेणी चढ़ने वालों में कौन से सम्यक्त के साथ उपशम श्रेणी चढ़ी जाती है? द्वितीय उपशम या क्षायिक के साथ चढ़ते, तो वहां औपशमिक समय दृष्टि कम है द्वितीय उपशम वाले, और क्षायिक समय दृष्टि संख्यात गुणे है, यानी क्षायिक के साथ उपशम श्रेणी चढ़ने वाले ज्यादा है। अभी हम इसमें से देते हैं, पहले तो मैं कुछ नोट में से बताई आपके बात। अभी यहां गति अनुवाद से तिर्यंच गति नरक गति की बात चलेगी। नरक गति में सातों ही पृथ्वी संबंधी सासाधन सम्यक्ति नार की सबसे कम है। अभी यहां गुणस्थान चार ही है, इन जनरल देखते थे तो हम पांचवा को कम कह देते, फिर सासाधन को असंख्यात गुना कहते थे। अब यहां सबसे कम है सासाधन वाले, उनसे संख्यात गुना है ना, जो ऊपर हमने असंख्यात गुना काटा था, सर्वत्र सासाधन से तीसरे गुणस्थान वाले संख्यात गुना ही होते हैं, तो ये संख्यात गुना मिश्र गुणस्थानवर्ती नारकी है। उनसे असंख्यात गुणे अविरत सम्यक्ति है, उनसे असंख्यात गुणे मिथ्या दृष्टि नारकी है। जनरल में कहा था मिथ्या दृष्टि अनंत थे, पर यहाँ नारकी ही असंख्यात है, इसलिए मिथ्या दृष्टि नारकी असंख्यात गुणा कह दिया। तिर्यंच गति में सबसे कम देश संयमी तिर्यंच है, पांचवें गुणस्थान वाले कम है, उनसे असंख्यात गुणे सासाधन समय दृष्टि है, उनसे असंख्यात गुणे कहा उन्होंने पंत, ये भी संख्यात गुणा होना चाहिए। सम्यक मिथ्यात्व तिर्यंच है, उनसे असंख्यात गुणे अविरत सम्यक्ति है, उनसे अनंत अनंत गुणे, क्योंकि यहाँ तिर्यंच है तो एक इंद्रिय की अपेक्षा यहाँ पर भी ले लेना, कैंसिल करो किस दोनों में नहीं, तिर्यंच गति के सेकंड लाइन में सासाधन से सम्यक मिथ्यात्व जी, देखो उनसे संख्यात गुणे सम्यक मिथ्यात्व तिर्यंच है, कहा नहीं तो गलत जगह नहीं काटना। फिर से पढ़ती हूँ मैं, तिर्यंच गति में सबसे कम देश संयमी तिर्यंच है, ये बराबर है, उनसे असंख्यात गुणे सासाधन समय दृष्टि है, ये बराबर है, उसके बाद उनसे संख्यात गुणे सम्यक मिथ्यात्वी तिर्यंच है, ये होना चाहिए, और उनसे असंख्यात गुणे अविरत सम्यक्ति है, उनसे अनंतानंत गुणे मिथ्यात्वी तिर्यंच है, क्योंकि तिर्यंचों में अनंत संख्या है, सारे है ना एक इंद्रिय आदि सब। अब मनुष्य गति में कितने कहेंगे लास्ट में मिथ्यात्वी, कितने कहेंगे असंख्यात गुना, क्योंकि वो लब्धि अपर्याप्त भी हमें, बाकी सब संख्यात गुना हमें। तो सबसे कम उपशम श्रेणी संबंधी चारों गुणस्थानवर्ती जीव है, उनसे संख्यात गुणे क्षपक श्रेणी संबंधी चारों गुणस्थानवर्ती और अयोग्य विली है, उनसे संख्यात गुणे सहयोग केवली है, उनसे संख्यात गुणे अप्रमत्त संयमी है, उनसे संख्यात गुणे प्रमत्त संयमी है। इस प्रकार प्रमत्त संयमी से लेकर अयोग केवली पर्यंत अपने अपने गुणस्थानवत अल्प भौत्व है, क्योंकि गुणस्थान सब मनुष्यों में ही पाए जाते हैं। देखो बाकी भी सब संख्यात गुणे कहेंगे, और लास्ट में मिथ्यात्वी मनुष्य असंख्यात गुणे कह दिया। देवों में भी नारकी के समान होगा, उनमें भी चार गुणस्थान है, उसका भी अल्प बहुत वैसा ही होगा। देखो आगे के पैराग्राफ में लिखा, मूलाचार्य जी में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने चार गति के अल्प बहुत को इस प्रकार बताया,
यानी कौन से गतियों में जीव ज्यादा है कम है वो बात बताएंगे कि सबसे कम मनुष्य गति वाले जीव है, वे भी सर्व जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। ये लब्धि अपर्याप्त उनको मिलाकर बात है, उनसे असंख्यात गुणे नरक गति के नारकी जीव है। और देव कितने तो नारकी कितने तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, उनसे असंख्यात गुणे देव गति के देव देवी है, यानी देव देवी में असंख्यात गुणा जीव है। वे समस्त लोक प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, लोक प्रतर को या जगत प्रतर को एक ही बात। उनसे अनंत गुणे तीर्यंच जीव है, हमें मालूम है तीर्यंच पर्याय में ही ज्यादा जीव है, निगोद वगैरह उसी में आते हैं, तो अनंत जीव। वे समस्त अनंत अनंत प्रमाण है। अभी यहाँ आगे जो नरक में बताया है, सबसे अल्प सातवें नरक में नारके हैं, उनसे असंख्यात गुणे छठे में, फिर पांचवें में, इस तरह से दो से लेकर सातवें तक की जो संख्या है उससे भी असंख्यात गुणे अकेले पहले नरक में। अब यहाँ तीर्यंच गति की बात है, पेज नंबर 216। सबसे कम तीर्यंच पंचेंद्रिय है, वो कितने वो छोड़ दो, उनसे असंख्यात गुणे चतुरिंद्रिय है। देखो पंचेंद्रिय पर्याय ने वो कर्म बांधना, जरा थोड़ा सा कम लोग कम जीव बांधेंगे, उससे ज्यादा तो चतुरिंद्रिय पर्याय बांधेंगे, क्योंकि संकलेश जहां ज्यादा है तो नीचे नीचे के पर्याय संबंधी बांधने वाले ज्यादा होंगे। तो उससे चतुरिंद्रिय हुए, वे भी असंख्यात लोक प्रमाण है। टोटल संख्या बताए, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होने से सभी भेद प्रभेद बन जाते हैं। उनसे असंख्यात लोक प्रमाणमय असंख्यात गुणे तीन इंद्रिय जीव है, उनसे असंख्यात लोक प्रमाणमय असंख्यात गुणे दो इंद्रिय जीव है। ये असंख्यात लोक प्रमाण कैसे लिया उन्होंने, क्योंकि द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय सब मिलकर भी प्रतर का असंख्यात अभाव होता है, तो ये असंख्यात लोक नहीं, असंख्यात गुणे होना चाहिए केवल। ये चतुरिंद्रिय की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है, जगत प्रतर उसका भी असंख्यात अभाव है, और जगत प्रतर ये लोक का असंख्यात अभाव है, तो असंख्यात लोक प्रमाण जो बताया है वो घटित नहीं होता है आपका। देखो तीरंज गति में सेकंड लाइन असंख्यात गुणे चतुरिंद्रिय है ना, उसके बाद असंख्यात लोक प्रमाण है वो निकाल देना। हाँ? क्योंकि उनकी टोटल संख्या जगत प्रतर का असंख्यात अभाव है, तो असंख्यात लोक नहीं बन सकता। कुछ नहीं लिखना, हाँ इतना ही लिखो, देखो लास्ट में भी उनसे असंख्यात गुणे इतना लिखो, असंख्यात लोक प्रमाण मत लिखो। असंख्यात गुणे तीन इंद्रिय जीव है, उनसे आगे भी असंख्यात गुणे दो इंद्रिय जीव है, ये बीच में असंख्यात लोक प्रमाण जो लिखा है वो नहीं बराबर है, क्योंकि असंख्यात लोक ये तो वायु का एक पृथ्वी का एक में घटित होता है, इसमें नहीं होता। द्विंद्रिय तीनिंद्रिय वगैरह जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है, केवल वो असंख्यात गुण इतना ले लो, यानी सबसे कम पंचेंद्रिय है उनसे असंख्यात गुण है चतुरिंद्रिय, उनसे असंख्यात गुण है तीनिंद्रिय, फिर द्विंद्रिय और अनंत गुणे एकेंद्रिय हो गए। असंख्यात लोक प्रमाण ये शब्द निकाल देना। देखो केवल असंख्यात गुण असंख्यात गुण इतना रखो, उनका जो प्रमाण लिखा है वो मत वहां नहीं रखना है। उनसे अनंत अनंत में अनंत गुणे एकेंद्रिय जीव है, ये आसान है ना। पंचेंद्रिय असंख्यात है फिर भी कम है, उनसे असंख्यात गुणे चतुरिंद्रिय, उनसे असंख्यात गुणे तीनिंद्रिय, उनसे असंख्यात गुणे द्विंद्रिय, उनसे अनंत गुणे एकेंद्रिय, बस इतना ही अल्पभूत समझो। अब नीचे मनुष्यों की बात है, देखो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण समस्त पर्याप्त अपर्याप्त मनुष्यों में से सबसे कम अर्थात मात्र संख्यात अंतर्द्वीपज मनुष्य है। अंतर्द्वीपज मनुष्य किसको कहते हैं, कुभोभूमि वाले,
वो सबसे अल्प है कुभोग में, उनसे क्योंकि वो पर्याप्त है ना, इसलिए फिर भी सबसे अल्प है। उनसे संख्यात गुणे संख्यात में देवकुरु उत्तर कुरु नामक दश उत्तम भोग भूमि मनुष्य है। दस भोग भूमि अगली कैसे, पांच भरत पांच ऐरावत की मिलकर उत्तम भोग भूमि। उनसे संख्यात गुणे मध्यम भोग भूमि वाले हो गए। उनसे संख्यात गुणे जघन्य भोग भूमि वाले हो गए। उनसे संख्यात गुणे पांच भरत पांच ऐरावत संबंधी कर्म भूमि मनुष्य है। उनसे संख्यात गुणे विधेय क्षेत्र संबंधी कर्म भूमि मनुष्य है, क्योंकि वो 160 है विधेय। हाँ, लिया ना भरत ऐरावत के, यहाँ क्या लिखा, भरत ऐरावत के 10 कर्म भूमि है, उसके पहले भी भोग भूमि दी थी उन्होंने। देखो देवकुरु उत्तर कुरु नामक 10 उत्तम भोग भूमि लिखा। 10 उत्तम भोग भूमि कैसे होगी, भरत ऐरावत को लेंगे तो ही होगी। 10 मध्यम भोग भूमि कैसे होगी, सबको लेंगे तो ही होगी। कुभोग भूमि वो जघन्य तिरंज के लिए जघन्य कहेंगे, परंतु मनुष्यों की अपेक्षा उसको कुभोग भूमि कहेंगे। वो भी एक पल्ले वाली है, जो आयु की अपेक्षा वो एक पल्ले वाली है, और उसको जघन्य भोग भूमि नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो वहां पर कल्प वृक्ष वगैरह होते हैं, तो वहां तो मिट्टी वगैरह खाते हैं, और उनकी खास विशेष रचना होती है, विशेष शरीर के आकार वगैरह होते हैं। देखो ये हम एक पैराग्राफ यहां से छोड़ देते हैं। देव गति में अब सर्वार्थ सिद्धि विमान जो है उसमें सबसे अल्प है, कितने हैं कि जो द्रव्य स्त्री के प्रमाण से भी 3 गुना है, उनसे असंख्यात गुना, बाकी सब असंख्यात गुणे हो गए। बाकी के जो 4 विमान है, विजय वैजयन जयंत और अपराजित और अनुदिश वाले, उनसे संख्यात गुणा 9 वाले, उनसे असंख्यात गुना, संख्यात नहीं असंख्यात गुना, उनसे असंख्यात गुना आनंद प्राण तारण अच्युत, उससे असंख्यात गुना शतार ससरार, इसे नीचे नीचे आओ तो असंख्यात गुना हो जाते। अभी यहां आना 217 पेज पर, द्रव्यश्री है ना, मनुष्य नहीं कहते द्रव्यश्री, ऐसे नहीं कहते वहां पर, मनुष्यनियों से 3 गुना संख्या आती उनकी। देखो इंद्रिय अनुवाद देखना नेक्स्ट पेज पर, एकेंद्रीय और विकलत्रय में गुणस्थान का भेद नहीं होने से अल्प भौत्व नहीं है। इंद्रिय की अपेक्षा यानी कौन से इंद्रिय वाले कम है, सबसे कम अर्थात असंख्यात लोक प्रमाण पंचेंद्रिय है, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं होते, वो जगत प्रतर के असंख्यात विभाग है। ये तो हमने देखा था पहले, उनसे असंख्यात गुना चतुर इंद्रिय तीन्द्रिय द्विंद्रिय वगैरह और अनंत गुना एक इंद्रिय। अब वो नीचे आना, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं लिखना, वो निकाल देना। इंद्रियानुवाद में सेकंड लाइन, पंचेंद्रिय जीव जगत प्रतर के असंख्यात विभाग है, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है। इंद्रियानुवाद में सेकंड लाइन, इंद्रिय की अपेक्षा सबसे कम अर्थात, अर्थात जो लिखा ना आगे, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं होना चाहिए, सबसे कम पंचेंद्रिय इतना ही लिखो। अब नीचे आना त्रसमय, देखो त्रसमय कुछ अलग बात है, त्रसमय पर्याप्त सबसे अधिक 3 इंद्रिय है, उनसे कम, अभी अधिक से लेकर कम तक चल रहा है, 2 इंद्रिय है, उनसे कम पंचेंद्रिय है, उनसे कम चतुर इंद्रिय है। अपर्याप्त दशा में ऐसा भेद नहीं है, अपर्याप्त में सबसे कम पंचेंद्रिय, फिर चतुर इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, पर्याप्त में वो थोड़ा अलग से है,
पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग खेवली पर्यंत अपने अपने गुणस्थान के समान ही अल्प भौत्व है। इतना विशेष है कि मिथ्यात्व असंख्यात गुण है। पंचेंद्रियों में जब बत करेंगे तो बाकी गुणस्थानों की संख्या तो वैसे बताएंगे, पहले उपशम श्रेणी वाले, फिर क्षपक श्रेणी वाले, फिर करते करते के नीचे आएंगे पांचवे से असंख्यात गुणे सासाधन वाले, उससे संख्यात गुणे तीसरे वाले, उससे असंख्यात गुणे चौथे वाले, उससे असंख्यात गुणे वाले मिथ्या दृष्टि। अनंत गुणे नहीं कहेंगे क्योंकि पंचेंद्रिय जीव है। अब ये काय मार्गणा में देखो, वहां एक विशिष्ट बात होती है, अग्नि का एक जीव सबसे कम होते हैं। अब ये सारे असंख्यात लोक प्रमाण है, फिर भी अग्नि का एक सबसे कम, देखो कायानुवाद में तीसरी लाइन, असंख्यात लोक प्रमाण है फिर भी सबसे कम है। उनसे असंख्यात गुणे पृथ्वी का एक है, उनसे असंख्यात गुणे जल का एक है, उनसे असंख्यात गुणे वायु का एक है, उससे असंख्यात गुणे प्रत्येक वनस्पति का एक है, और उनसे अनंत गुणे साधारण वनस्पति निगोद है। अब योग में मन वचन इन दो योग वाले पंचेंद्रिय जीवों का पंचेंद्रियवत अल्प भौत्व है, और काय योग में अपने अपने गुणस्थान व अल्प भौत्व जानना, इन्हें गुणस्थानों का अल्प भौत्व काय योग में घटित होगा, और मनोयोग वचन योग वाले वो पंचेंद्रिय के समान वो बात हो जाएगी उसमें। अब वेद की अपेक्षा, स्त्री पुरुष वेदी जीवों का पंचेंद्रियवत अल्प भौत्व, यानी स्त्री वेदी में गुणस्थानों का अल्प भौत्व, पुरुष वेदियों में गुणस्थानों का अल्प भौत्व, जो हम पंचेंद्रिय में देखा वैसा ही है। नपुसक वेदी और वेद रहित जीवों का गुणस्थान व अल्प भौत्व है। नपुसक वेदी में क्या कहेंगे हम, जो चौथे से मिथ्यात्व है वो अनंत गुना कहेंगे, क्योंकि नपुसक वेदी में अनंत जीव आते हैं, वहां डिफरेंस होगा। कषाय अनुवाद से अभी उसमें जो अलग अलग तीन कषाय वाले हैं, तो जो गुणस्थानों का है वैसा ही उसमें अल्प भौत्व होगा। देखो नेक्स्ट पेज, ज्ञानानुवाद, कुमति कुशरुत ज्ञान में सबसे कम जीव सासाधन वाले हैं, क्योंकि कुमति कुशरुत में दो ही गुणस्थान है, सासाधन वाले कम और अनंत गुणे मिथ्या दृष्टि। कुमति कुशरुत में गुणस्थानों को लगा रहे, को अवधि में सबसे कम सासाधन है और उनसे असंख्यात गुणे मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि को अवधि में तो पंचेंद्रियों के होगा, संगी पंचेंद्रियों को, वह अनंत गुणा नहीं कहा। अब मतिशुता अवधि ज्ञान वालों में चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक का अल्प भौत्व बताना है, उसमें उपशम श्रेणी वाले, फिर क्षपक श्रेणी वाले, फिर अप्रमत्त, फिर प्रमत्त, इस तरह से बात होगी, और वहां असंख्यात गुणा वाले चौथे गुणस्थान वाले होंगे। मनपरे ज्ञान में उपशम श्रेणी वाले, क्षपक श्रेणी वाले संख्यात गुणा है, उसमें ऐसे ना छठे से लेकर लगाना है। संयम अनुवाद में सामायिक छदोपसना, उसमें उपशम श्रेणी वाले कम हो गए, क्षपक श्रेणी वाले डबल हो गए, उनसे संयत जो है अप्रमत्त हो गए संख्यात गुणे, प्रमत्त हो गए उनसे संख्यात गुणे, इस तरह से। परिहार विशुद्धि में सातवें वाले कम हो गए, छठे वाले ज्यादा हो गए। यथाख्यात संयम ग्यारहवा बारहवा तेरहवा चौदहवा, ग्यारहवें वाले कम होंगे यथाख्यात संयम में है, और उनसे संख्यात गुणे बारहवें वाले हो गए। अयोग केवली भी उतने ही होंगे बारहवें के समान, और संयोग केवली सबसे ज्यादा होंगे। अब संयता संयत तो एक ही गुणस्थान है, असंयम में यानी पहले चार गुणस्थान सबसे कम सासाधन वाले, उनसे संख्यात गुणे बात आई ना, जो हमने असंख्यात गुणा को संख्यात गुणा किया था, सम्यक मिथ्यात्व, उनसे असंख्यात गुणे असंयत सम्यक्त्व है, उनसे अनंत गुणे मिथ्यात्व है। अब दर्शन चक्षु दर्शन में, चक्षु दर्शन चतुरिंद्रिय पंचेंद्रियों की होगा, तो उनमें अल्प भौत्व तो वही होगा जो उपशम श्रेणी वाले, क्षपक श्रेणी वाले वगैरह वगैरह। चक्षु दर्शन में भी काय योगी वत, यानी जो सामान्य से जो गुणस्थान का वर्णन आता है वैसा होगा,
अवधि दर्शन में अवधि ज्ञानीवत है, उसमें भी गुणस्थान 4 से 12 में जो अल्प भूत है उसको लगाना है। केवल दर्शन में केवल ज्ञानी के समान अल्प भूत है। केवल दर्शन में क्या कहेंगे, अयोग केवली कम है, संयोग केवली संख्यात गुणे है। अब लेशानुवाद में अशुभ लेशा में सबसे कम सासाधन वाले है, उनसे संख्यात गुणे सम्यक मिथ्यात्व है ना, संख्यात गुणा बात है, उनसे असंख्यात गुणा असंयत सम्यक्त्व है, उनसे अनंत गुणा मिथ्यात्व है। अब पीत और पद्म में क्या कहेंगे हम, मिथ्यात्व कितने गुणा कहेंगे, असंख्यात गुणा कहेंगे, अनंत गुणा नहीं कहेंगे। शुक्ल लेशा में उसमें भी श्रेणी वालों को ले लेना, पीत पद्म में तो हम श्रेणी वालों को नहीं लेना था, वो अप्रमत्त प्रमत्त से लेना था। अब शुक्ल लेशा में सभी पहले से 12 गुणस्थान है, 13 तक है, तो सबको यहाँ ले लेना है। परंतु शुक्ल लेशा भी पंचेंद्रियों में भी होगी, उन्हीं में होगी, और इसमें संख्यात गुना की बात होगी। अभी भव्य में सभी गुणस्थान है, तो गुणस्थान का जो अल्पभूत है वही भव्य में होगा, अभव्य में एक ही गुणस्थान है। अभी सम्यक तो अनुवाद, औपशमिक में उपशम श्रेणी वाले कम है, और बाद में जो हम उपशम सम्यक्त के साथ गुणस्थान 4 से 11 उसमें 11 तक उसमें हम अल्पभूत व लगाएंगे। क्षायिक सम्यक्त में वहां पर भी उपशम श्रेणी वाले, शपक श्रेणी वाले, फिर नीचे के गुणस्थान वाले संख्यात गुना कहेंगे, और चौथे गुणस्थान वाले असंख्यात गुना कहेंगे। क्षौपशमिक में चौथे वाले सातवें वाले सब कम है, क्योंकि चौथा पांचवा छठा सातवां उसमें अल्प बहुत लगाना है, तो उसमें संख्यात गुणा हो गए प्रमत्त, और पांचवे वाले असंख्यात गुणा हो गए क्योंकि तीर्यंचों को भी लेना है, और उनसे असंख्यात अविरत सम्यक्ति को लेना है। अब संगी में जो हमने पंचेंद्रियों में देखा था वैसे ही संगी में घटित हो जाएगा। अब संगी और असंगी में बताना है तो संगी के जितने हैं उससे अनंत अनंत गुणे असंगी के जीव है। असंगी में एक मिथ्यात्व गुणस्थान है, इसलिए गुणस्थानों का अल्पभूत्व नहीं होगा। अब आहारक अनाहारकों में आहारक जीव ज्यादा हो गए अनाहारकों से, तो आहारक में जो गुणस्थानों का जो अल्पभूत्व है वही घटित होगा, वो तो आसान है। इस तरह से गुणस्थान और मार्गनास्थान में अल्पभूत्व का प्ररूपण समाप्त हुआ, और हमारा भी ये शिविर भी समाप्त हुआ। बोलो 2400 भगवान की जय।